हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, फेस स्मूथ करना चाहते हैं, कलर टोन डालना चाहते हो, तो दोस्तों पहले फ़ोटो देख लीजिए। पहले फ़ोटो ऐसा था, देख सकते हैं, पहले फ़ोटो ऐसा था। आप फोटो देख सकते हैं कि फ़ोटो एडिटिंग होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है। फेस पर भी लाइटिंग हार्ड आया और कलर टोन भी मस्त दिख रहा है। तो दोस्तों, आप सभी इसी टाइप का एडिटिंग करना चाहते हो तो आप सब स्टेप बाय स्टेप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक के बिना स्किप किए हुए देखते रहिए और एक भी स्टेप नहीं छोड़िएगा, ताकि आप सबको इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, आप सब मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इसी ही वीडियो लेकर के आऊँ तो आप सबके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सब भी इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए आप इस फोटो को इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम पिक्स लाइटरूम में फ़ोटो को ले चुके हैं। लाइटरूम में फ़ोटो लेने के बाद अभी देख सकते हैं कि फ़ोटो अभी कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों, आप सब बस अच्छे से देखते रहिएगा और एक भी स्टेप नहीं छोड़िएगा। तो पहले हम यहाँ से ऑटो कर देते हैं। ऑटो करने से ये होता है कि देख सकते हैं कि पूरा लाइट एडजस्ट करके अपने यहाँ पूरा HD टाइप का दिखने लगा, पूरा लाइट एडजस्ट हो चुका है। अगर आप सबको थोड़ा सा लाइट में थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो आप सब अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम थोड़ा सा ब्लैक को थोड़ा सा और कम करेंगे, मतलब थोड़ा सा बढ़ाएंगे ब्लैक को लगभग 7 तक के, और इसका वाइट को कम करेंगे -19 तक के, इसके साइडों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 59 तक के, और इसके कंटेंट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे -6 तक के। और इसके बाद यहाँ से पे आइएगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा लगभग 12 तक के। इसके बाद इसका वाइब्रेंस को बढ़ा दीजिएगा और इसके बाद इसका सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ताकि फेस पर लाइटिंग डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और उसके बाद यहाँ से आप ब्लैक कर दीजिएगा, यहाँ से हम ब्लैक कर देते हैं, यहाँ से इसको हम ब्लैक करते हैं पहले। और उसके बाद इस पे भी जाने के बाद इसको हम एल्यूमिनियम को बढ़ाएंगे, ताकि फेस पर अच्छे से लगेंगे। और उसके बाद रेड पे जाने के बाद, रेड के पे जाने के बाद इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे। और उसके बाद इस पे आने के बाद इसको हम इसको इस साइड देखते हैं, और उसके बाद इस पे जाने के बाद इसको इतना रखते हैं, और इसको इसका मेन इसको देख लेते हैं कितना ठीक लग रहा है। उसके बाद इस पे भी जाने के बाद इसका भी देख लेते हैं, तो ये इसका ब्लैक रहने देते हैं। उसके बाद इसका भी सैचुरेशन बढ़ाएंगे, हुई को भी बढ़ा देंगे, उसके बाद डन कर देंगे। अब उसके बाद फिर से यहाँ से इसके क्लैरिटी पे चलेंगे, क्लैरिटी पे जाने के बाद इसको 19 तक के रख देंगे। उसके बाद इसका रिहाइज को थोड़ा सा बढ़ा माइनस कर देंगे 9 तक के। और उसके बाद अब इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों, लाइटरूम से बस अभी इतना ही काम है। और उसके बाद पहले हम फेस को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ से ले चलेंगे ऑटोडेस्क से स्केच बुक में फेस स्मूथ करने के लिए। तो आप सब बस ऐसे से देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और एक भी ये स्टेप नहीं छोड़िएगा, ताकि आप सबको फोटो एडिटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो यहाँ से हम शेयर टू पे क्लिक कर देते हैं और थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से अब हम इसे ऑटोडेस्क से स्केच बुक में ले चलते हैं। तो आप सबको फेस स्मूथ करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सब देख लीजिए अच्छे से वीडियो, फेस को कैसे स्मूथ किया जाता है। तो यहाँ से ऑटोडेस्क से स्केच बुक में ले चलते हैं। और इसके बाद यहाँ से तो दोस्तों, यहाँ से हम ऑटोडेस्क में ले चुके हैं फोटो को। और ऑटोडेस्क में फोटो लेने के बाद, तो दोस्तों पहले मैं आज एक अलग तरीका से मैं करूँगा फेस को स्मूथ। तो यहाँ से पहले एक लेयर ले लेता हूँ, और एक लेयर लेने के बाद यहाँ से कलर वाले पे जाएंगे और ये कलर ले लीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा और करते हैं तो इतना ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ से ब्रश वाले टूल पे जाएंगे और ये ब्रश ले लीजिएगा, दिखा दे ये ब्रश ले लीजिएगा। और इसके ऑपोसिटी को पूरा 100 कर देना, उसके बाद साइज अपने फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा, ऐसे फेस पे कलर चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ से अच्छे से चढ़ा दे रहे, आप सभी अच्छे से चढ़ा दीजिएगा कलर, कोई गड़बड़ी नहीं। और यहाँ से थोड़ा सा हम साइज छोटा करते हैं, और उसके बाद यहाँ से इस साइड अच्छे से हम कर लेते हैं। तो यहाँ से आप सभी अच्छे से कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। यहाँ से ब्रश को आप सब बस सीधे सीधे चलाते रहिएगा अच्छे से, कोई बात नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि फिर बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भद्दा दिखे ये नहीं होना चाहिए। बस आप सब अच्छे से करते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप करते रहिएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अब बस थोड़ा सा बाकी है फेस पे, यहाँ से फेस पे आप कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों, फेस पे कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से हैंड पे कर लेते हैं अच्छे से, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप सब बस अच्छे से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा आप सब, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फेस स्मूथ करने में या फेस को वाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से अच्छे से ब्रश को सीधा सीधा चलाते रहेगा। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इसी वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी अच्छे से फोटो एडिटिंग कर पाए। तो और यहाँ से देख सकते हैं कि हम अच्छे से करें, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम हो यहाँ से पेंट को चढ़ाने में, कलर को चढ़ाने में। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अच्छे से हम कर रहे हैं, आप सभी अच्छे से कीजिएगा। और यहाँ से बस थोड़ा सा बाकी, बस अब यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद अब यहाँ से और थोड़ा सा पैर पे बांधे, तो पैर पे भी हम अच्छे से कर लेते हैं। आप सभी अच्छे से कीजिएगा, जहाँ जहाँ भी करना हो आप वहाँ वहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा कलर को। यहाँ से अच्छे से कर दे रहे, आप सभी अच्छे से कर लीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कर लीजिए, कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छे लगे। तो दोस्तों, अगर आप सबको किसी भी टॉपिक पर फोटो एडिटिंग चाहिए तो आप सब बस कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कि कितना इजीली मैं कर पा रहा हूँ, आप सब इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ से कलर तो चढ़ा लिया, अभी कलर को एडजस्ट कैसे किया जाता है तो अब यहाँ से मैं वो स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से लेयर पे क्लिक कीजिएगा, जो लेयर लिए रहेगा उस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो उस ब्लेंडिंग पे क्लिक करके सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि कितना मस्त लाइटिंग आ चुका है फेस पे। और उसके बाद कुछ ज़्यादा लाइटिंग आ गया तो हम इसको ओपेसिटी को कम करेंगे, लगभग हम इसका ओपेसिटी को 34 तक रखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप फेस को स्मूथ करेंगे, तो यहाँ से हम ये ब्रश लेते हैं और उसके बाद इसका देख लीजिए फ्लो को 2 रख लेना है। इसके बाद इसका स्ट्रेंथ को 8 रख लेना और साइज अपने फोटो के हिसाब से रखेगा। तो हम साइज को 26 से 65 तक रखेंगे। तो पहले यहाँ से पैर पे हम थोड़ा सा मार देते हैं, तो यहाँ से पहले फोटो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से स्मूथ कर देते हैं। तो देख सकते हैं कितना इजीली फेस स्मूथ हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। कलर को चढ़ाने से यही होता है कि आप सबको जहाँ पे ब्लैक रहेगा
वो ब्लैक थोड़ा सा लाइटिंग में बदल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना इजीली हो पा रहा है। और उसके बाद यहाँ से हैंड पे भी हम कर दे रहे हैं। आप सभी अच्छे से कीजिएगा ब्रश के बाद सीधा सीधा चलाते रहिएगा ताकि आप सबको फेस स्मूथ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से आप इस हैंड पे भी कर लेते हैं। आप सभी अच्छे से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। यहाँ से हैंड पे थोड़ा थोड़ा सा मारते हैं ताकि अच्छे से दिखे, कोई कटिंग टाइप का ना दिखे। और उसके बाद यहाँ से गर्दन पे आ जाएंगे, गर्दन पे भी अच्छे से हम कर लेंगे फेस स्मूथ। यहाँ से देख सकते हैं कितना इजीली फेस स्मूथ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और उसके बाद यहाँ से साइज को छोटा करेंगे और उसके बाद यहाँ से फेस पे आएंगे। और उसके बाद इस साइड यहाँ पे गोला गोला ऐसे ऐसे चलाएगा तो आप सबको अच्छे से ये दाढ़ी का शेप बन पाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हम अच्छे से चला रहे हैं, आप सभी अच्छे से चलाएगा ब्रश को। और उसके बाद थोड़ा सा हम साइज और छोटा करते हैं और यहाँ से लिप पे हम अच्छे से कलर चढ़ा तो सारे लिप पे भी स्मूथ कर देते हैं। और उसके बाद इस साइड आने के बाद इस साइड ऐसे ऐसे कीजिएगा, नाक के बगल में ऐसे ऐसे चलाएगा ताकि आपका नाक का शेप अच्छे से बन पाए। और ब्रश को आप सब बस सीधा सीधा चलाते रहिएगा। और दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छे लगता हो, फोटो एडिटिंग अच्छे लगता हो तो दोस्तों आप सब वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों उससे भी महत्वपूर्ण बात, आप सब बेल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं ऐसी ही न्यू कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँ तो आप सबके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सब अच्छे से फोटो एडिटिंग कर पाएँ। यहाँ से देख सकते हैं कि हम कितना इजीली फेस स्मूथ कर पा रहे हैं। आप सभी इसी टाइप से इजीली फेस स्मूथ कर पाएगा, बस आप सब अच्छे से वीडियो को देखते रहिए और कैसे कैसे ब्रश को चलाया जाता है वो देखते रहिए ताकि आप सबको फेस स्मूथ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना इजीली कर पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से आँख के नीचे ऐसे ऐसे चलाएगा और उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा करते हैं साइज को। और उसके बाद यहाँ से नाक के बगल में ऐसे ऐसे चलाइएगा। और उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि कितना इजीली फेस स्मूथ हो रहा है। और उसके बाद यहाँ से नाक पे आप सब बस ब्रश को सीधा सीधा ऐसे चला दीजिएगा। तो इससे होगा ये कि आपका जो नाक का शेप रहता है उस टाइप का फोटो एडिटिंग हो जाएगा, फेस स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं अब यहाँ से ऊपर की ओर आ जाएंगे और ऊपर की ओर भी अच्छे से हम कर लेंगे इसमें। तो थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से अच्छे से हम कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फेस स्मूथ आप कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है, बस यहाँ से कंप्लीट हो चुका है फेस स्मूथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फेस कितना मस्त दिख रहा है, देख सकते हैं कितना इजीली तरीके से हुआ है फेस स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आया फेस स्मूथ करने में। तो यहाँ से अब इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों अगर आप सबको आईब्रो पे कट लगाना हो तो यहाँ से ब्रश वाले टूल पर जाइएगा। और उसके बाद यहाँ से इस वाले ब्रश पर आइएगा और उसके बाद इस पर क्लिक करके ग्राइड्स पे क्लिक करके यहाँ से ये वाला ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ से आईब्रो पे कट लगा लीजिएगा। तो हम यहाँ से आईब्रो पे कट लगा लेते हैं। तो हम एक आईब्रो पे ये साइड लगाते हैं। यहाँ से कुछ ज़्यादा साइज बड़ा लग रहा है तो हम साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लगभग 3.8 तक रखेंगे। और उसके बाद यहाँ से आईब्रो पे हम दोनों आईब्रो पे कट लगा लेंगे, ये ठीक लग रहा है। और उसके बाद इस साइड भी आकर के हम अच्छे से लगा देंगे कट। तो यहाँ से आईब्रो पे कट लग चुका है और मस्त लग रहा है आईब्रो पे कट। उसके बाद यहाँ से इसको कट करते हैं और इसको थोड़ा सा हम इस पर जाकर के और इसके कलर एडजस्ट पे जाकर के थोड़ा सा इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे इतना। इसे देख सकते हैं कि फोटो कितना हार्ड दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर से इस पर क्लिक करके कलर बैलेंस पे जाकर के इसको इतना पे करते हैं, फिर देखते हैं और इसको इतना पे करते हैं, इसको इतना पे करते हैं और इसको थोड़ा सा हम कम करते हैं। इसे देख सकते हैं कितना मस्त कलर पे लाइटिंग आ रहा है। उसके बाद यहाँ से साइडों पे जाएंगे, साइडों पे भी जाने के बाद इसको इतना करते हैं और इसको इतना पे रखते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ से हाईलाइट पे आएंगे और हाईलाइट पे भी जाने के बाद इसको थोड़ा सा इतना रखते हैं, इसको इतना रखते हैं और उसके बाद यहाँ से इतना पर रखते हैं, इसका दम करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फोटो कितना बवाल का बन चुका है दोस्तों। अब एक और स्टेप है तो लाइट रूम में चलते हैं, लाइट रूम में ले जाकर के हम कलर गार्डिंग करते हैं। तो आप सबको दिखाते हैं कि कितना हार्ड आज कलर गार्डिंग होगा। तो आप सभी अच्छे से करना चाहते हो तो बस आप सब स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और एक भी स्टेप नहीं छोड़िएगा ताकि आप सबको कोई भी प्रॉब्लम हो फेस स्मूथ करने में या कलर टोन डालने में। तो चलिए डायरेक्ट लाइट रूम में ले चलते हैं फोटो का, लाइट रूम में ले जाकर कलर टोन डालते हैं, कलर गार्डिंग करते हैं। तो चलिए अब डायरेक्ट हम इसे लाइट रूम में ले चलते हैं। लाइट रूम में फोटो ले चुके हैं, लाइट रूम में फोटो लेने के बाद अब यहाँ से डायरेक्ट हम इसे एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं, कलर टोन डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले लाइट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, लाइट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इसका ब्लैक को हम -51 तक कर देंगे और इसके व्हाइट को हम थोड़ा सा बढ़ा करके 2-3 देख लेते हैं तो 10 तक रख देते हैं। इसका साइडों को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसका हाईलाइट को थोड़ा सा कम करते हैं -28 तक। और इसके बाद इसका कंटेंट्स को थोड़ा सा हम बढ़ाते लगभग 10 तक। और उसके बाद इसका एक्सपोजर को देख लेते हैं तो एक्सपोजर को हम -9 तक रखते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि फोटो में कितना मस्त जाना आ चुका है, कितना HD फोटो लग रहा है। पहले देखते थे कि कितना भद्दा टाइप लग रहा था फेस स्मूथ करते टाइम, यहाँ से देख सकते हैं कितना HD लग रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको साइज को इतना करते हैं, थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद यहाँ से इस पे जाएंगे और इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे थोड़ा सा 8 तक। और उसके बाद इसका वाइब्रेंस को हम कम करेंगे, वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे और इसका टिंट को देख लेते हैं तो टिंट को हम -10 तक रखेंगे, 9 तक। उसके बाद इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब उसके बाद देख सकते हैं कि फेस पे क्या कलर आया है तो इसको हम जाकर के मिक्स कर उसके बाद ये वाला कलर पे जाकर के इसका सैचुरेशन को हम कम कर देंगे। तो इससे फेस पे देखिए कितना मस्त लाइटिंग आ चुका है। उसके बाद येल्लो पे जाने के बाद इसका सैचुरेशन को कम कर देंगे और इस पे आने के बाद इसका हम सैचुरेशन को बढ़ाएंगे या देख लेते हैं इसका हुई को बढ़ा देंगे, इसका सैचुरेशन को भी बढ़ा देंगे। और उसके बाद इस पे आने के बाद इसका हुई को देख लेंगे तो हुई को इतना रखेंगे और इसका सैचुरेशन को बढ़ा देंगे। और इस पे भी आने के बाद इसका हुई को देख लेते हैं तो हुई इतना रखते हैं, इसका सैचुरेशन बढ़ाते हैं। अब इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसको भी हुई को -100 तक रखेंगे और इस पे भी आने के बाद इसका हुई को -100 पे देखते हैं तो या इस पे तो ये ठीक लग रहा है। उसके बाद इसका सैचुरेशन बढ़ा देंगे। अब रेड वाले पे आने के बाद इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे और इसका हुई को थोड़ा सा -7 तक रखेंगे और इसका लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 11 तक। उसके बाद इस पे आने के बाद थोड़ा सा फोटो को जूम करते हैं और उसके बाद यहाँ से इसका सैचुरेशन को देख लेते हैं तो सैचुरेशन कितना ठीक है।
और इस वाले कलर का थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, तो इसका सैचुरेशन कम कर देंगे, इसका हुई को इतना रखने के बाद इसका भी सैचुरेशन को हम कम कर देंगे, इससे जो ब्लैक है वो ब्लैक रहेगा। और उसके बाद यहाँ से अब कलर टोन तो ये फेस पे का हो गया, उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ से इसका सैचुरेशन हुई को इतना रखते हैं, अब उसके बाद इसका इतना करते हैं, और उसके बाद येल्लो का सैचुरेशन को देखते हैं, येल्लो का सैचुरेशन इनको माइनस करके इसको इतना करते हैं, उसके बाद इसका सैचुरेशन हुई तो इसको 100 पे रखते हैं, और इसका देख लेते हैं, तो इसको माइनस करते हैं सैचुरेशन को, उसके बाद डन करते हैं। अब उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद इसके शैडो पे क्लिक कीजिएगा, आप शैडो पे क्लिक करने के बाद इसका सैचुरेशन को पहले बढ़ाएंगे, तो यहाँ से सैचुरेशन को इतना बढ़ाने पर आप देखिएगा, अब हुई को बढ़ाने पर आप देखिएगा कलर गार्डिंग कितना हार्ड होगा, तो यहाँ से देखते हैं हम इसको, जो भी कलर मुझे अच्छा लगे आप सबको जो भी कलर अच्छा लगे कमेंट करके बताइएगा, तो ये ठीक लग रहा है फेक अक्वा ठीक लग रहा है, तो इतना रखते हैं इसको। उसके बाद इस सर भी आने के बाद इसका सैचुरेशन को पहले बढ़ाएंगे, और उसके बाद यहाँ से इसको हम देखेंगे इतना ठीक है, इतना मस्त लग रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर से सैचुरेशन को बढ़ाएंगे, और इसका रेड को थोड़ा सा इतना रखते हैं, और इसको कम करके इतना लाते हैं, बाद फिर से ग्लोबल पे जाकर के, ग्लोबल पे जाने के बाद इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे, अब इसके बाद यहाँ से इतना पे करते हैं, इसका सैचुरेशन को पूरा कम कर देते हैं, और उसके बाद इसका लुमिनेंस को कम करते हैं, और उसके बाद हाईलाइट का भी लुमिनेंस को थोड़ा सा कम करते हैं, मिड टोन्स का भी सैचुरेशन लुमिनेंस को कम करते हैं, और उसके बाद शैडो का लुमिनेंस का, तो इतना ठीक लग रहा है। और उसके बाद यहाँ से इसको हम डन करेंगे, अब दोस्तों यहाँ से उसको तो कर लिया, उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, इसके टिंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 6 तक, इसका सैचुरेशन को बढ़ा देते हैं लगभग 16 तक, इसका वाइब्रेंस को बढ़ा देते हैं इसका। अब उसके बाद यहाँ से लेफ्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, लेफ्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसका एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा करके 10 तक रख देंगे, और उसके बाद इसका वाइट को कम कर देंगे, और इसका ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब उसके बाद यहाँ से इतना कम हो जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ से कर्व का यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ से पहले वाइट को देख लेते हैं, तो वाइट को थोड़ा सा कम करके इतना ले जाते हैं, और यहाँ से हाईलाइट को, अब हाईलाइट को देख लेते हैं, तो हाईलाइट को देख लेते हैं, तो इतना ठीक लग रहा है, और इसके बाद इसको देख लेते हैं, तो इतना ठीक है, अब उसके बाद इसको ये ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ से रेड पे जाएंगे, और रेड पे भी जाने के बाद इसको इतना ठीक है, उसके बाद इसको देख लेते हैं, तो इतना मस्त लग रहा है, और इसको हम देख लेते हैं, ये परफेक्ट है। और उसके बाद मिड टोन्स को देख लेते हैं, तो मिड टोन्स को इतना पे ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ग्रीन पे आएंगे, ग्रीन पे भी जाने के बाद इसको इतना पे करते हैं, और इसको थोड़ा सा हम डार्क करते हैं, इतना ठीक लेते हैं, यहाँ से इतना ठीक है, अक्वा थोड़ा सा डार्क अक्वा देखते हैं, तो आप सब अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा इसको, तो आप सबको अच्छे से होगा, इतना ठीक लग रहा, तो ये परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद यहाँ से इस पे आने के बाद इसको पहले कम करते हैं, इसके बाद इसको बढ़ाते हैं, और उसके बाद यहाँ से ब्लू रेड, यहाँ से ग्रीन का थोड़ा सा काम बाकी है ना, तो ग्रीन का इतना रखते हैं, उसके बाद ब्लू पे आने के बाद इसको इतना रखते हैं, उसके बाद यहाँ से डन करते हैं। आप यहाँ से इतना कम हो जाने के बाद इसका कॉन्सेंस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और इसके साइडों को बढ़ा देते हैं, और इसका ब्लैक को हम इतना पर रखते हैं 16 तक, और इसका वाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मिक्स वाले पे चलेंगे, अब मिक्स वाले पे जाने के बाद इस पे जाने के बाद इसका हुई को कम कर देंगे, और इसका सैचुरेशन ठीक है, और इसके बाद यहाँ से इसका सैचुरेशन को कम करके 23 तक रखेंगे, इसका लुमिनेंस को बढ़ाएंगे, और इसके बाद इसका लुमिनेंस को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। आप देख लीजिए कि कितना हार्ड टाइप का लग रहा है कलर टोन, यहाँ से इसको ठीक है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक और चीज़ कर्व से करते हैं, तो यहाँ से फिर से चलेंगे कर्व पे, और इसके बाद यहाँ से इसे थोड़ा सा कलर डालते हैं, तो इतना ठीक है, परफेक्ट है। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं, इसको भी इतना पे रखते हैं, और इसके बाद इसको इसको हम बैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेड पे जाने के बाद उसके बाद डन करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों फोटो बन के रेडी हो चुका है, कितना एचडी यार फोटो लग रहा है, पूरा फेस पे देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है कलर टोन। तो दोस्तों आप सभी इसी टाइप का कलर टोन डालना चाहते हो, आप सब पूरा परफेक्ट फेस के साथ पूरा बैकग्राउंड पूरा रियलिस्टिक बनाना चाहते हो, तो आप सब देख सकते हैं कि फोटो कितना मस्त दिख रहा है, पहले कैसा था अब कैसा बन गया फोटो, तो देख सकते हैं एक सेकंड क्या चर्चा क्लिक करें, उसके बाद देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी इसी टाइप का एडिटिंग कर पाएगा, बस आप सब स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, और शुरू से लेकर के अंत तक के देख लीजिए, एक भी स्टेप नहीं छोड़िएगा, ताकि आप सबको कोई भी प्रॉब्लम कोई इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने में। और दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इसी वीडियो लेकर के आऊँ तो आप सबके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, और आप सभी इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों फिर से न्यू वीडियो में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।